अच्छा सर, कंसोलिडेशन में एक और पास पेपर कर लेते हैं, हॉकी लिमिटेड जो के आया था आपका विंटर 2022 में। ऑल्सो ये वैसे ही जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते रहे, ये भी वैसे ही ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें आपकी एक नॉर्मल सब्सिडी थी, एक फॉरेन सब्सिडी थी, बट इसके अंदर फॉरेन सब्सिडी का डिस्पोजल भी था। और अगेन जब मैं ये कहता हूँ कि फॉरेन सब्सिडी का या कोई भी सब्सिडी का डिस्पोजल होगा तो आप नेट एसेट्स को डी रिकग्नाइज करेंगे, गुडविल को डी रिकग्नाइज करेंगे, एनसीआई को डी रिकग्नाइज करेंगे, और अगर फॉरेन सब्सिडी है तो उसके रिजर्व्स जितने भी मौजूद होंगे आप उठा के वो ग्रुप रिजर्व में ले जाएंगे, दैट्स इट, सिंपली अ रीक्लासिफिकेशन एंट्री देयर विल बी। बात क्लियर है? आइए जी आगे देखते हैं। हमने कहा भी फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हॉकी लिमिटेड, गोल्फ लिमिटेड एंड क्रिकेट लिमिटेड, यानी तीन सब्सिडीज की, यानी दो सब्सिडीज और एक पेरेंट की आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई ऑन जुलाई 1, 2021, और अभी हमारा साल चल रहा है 30 जून 2022, यानी इस साल के शुरू की बात हो रही है। क्या ये रहा है? ऑन जुलाई 1, 2021 एचएल एक्वायर्ड 60% शेयर होल्डिंग इन जीएल, यानी ये दूसरी कंपनी है, इसके बारे में बात कर रहा है। द परचेज कंसिडरेशन वॉज 1 डिबेंचर हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ ₹50 इशूड बाय एचएल फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड इन जीएल, यानी अगर मैंने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं तो उस कंपनी के हर 2 शेयर के अगेंस्ट में मैंने अपनी डेट सिक्योरिटी इशू की है। यानी जब मैं डेट सिक्योरिटी यूजुअली इशू करता हूं तो मैं एंट्री क्या बनाता हूं, कैश डेबिट और डिबेंचर या व्हाट्स एवर कोई भी सिक्योरिटी क्रेडिट पर। यहां पे इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी और डिबेंचर कोई भी सिक्योरिटी क्रेडिट होगा, ये बात आपने याद रखनी। तो IFRS 9 का भी एक एलिमेंट यहां पे टेस्ट हो गया। आगे हमने कहा इसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ जीएल, यानी वो जीएल के शेयर की बात कर रहा है। सर आप हमेशा इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन पे, ना के रिसीव पे। दीज डिबेंचर वुड बी रिडीम्ड आफ्टर 6 ईयर, 6 सालों का है, यानी हमें पैसे देने पड़ेंगे उसको ऑब्वियसली रिडेम्पशन के ऊपर। द डिबेंचर्स कैरी एन इंटरेस्ट ऑफ 14% पर एनम, ऑल द मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग है। सही जी, द इशुएंस ऑफ डिबेंचर इज नॉट येट रिकॉर्डेड इन एचएल बुक्स, एनुअल इंटरेस्ट पेड ऑन 30 जून 2022 वॉज चार्ज टू पीएनएल, यानी वो कह ही रहा है कि भाई जो इंटरेस्ट पे हुआ है उसकी अकाउंटिंग एंट्री हो चुकी है और वह एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड हो चुका है, उसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं बनी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इन्वेस्टमेंट इन जीएल 890 मिलियन की ऑलरेडी इसकी किताबों में आ रही, तो ये तो कह रहा है सर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ भाई, नीचे आगे जाके फर्दर एक्विजिशन की होगी ये वो होगा। सही जी, वो देख भी लेते हैं। ऑन एक्विजिशन डेट जीएल की जो है रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से देखते हैं इसमें क्या करना है। तो कह रहा हूँ जनवरी 1, 6 महीने बाद 15% शेयर होल्डिंग इन जीएल वर एक्वायर्ड फॉर ₹890। देखो यहाँ पे भी 890 आ रहा है, तो मतलब जो फर्दर एक्विजिशन की है ये वो रिकॉर्ड हुई हुई है, जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई। और नैनी केस जब मैं कंट्रोल हासिल करता हूँ, जब ग्रुप बनता है गुडविल तब निकलती है, तो तब वाली इन्वेस्टमेंट मुझे निकालनी होगी। चलें जी आ जाए, हमने कहा नेट एसेट्स ऑफ जीएल, यहां पे हमने लिख दिया एट एक्विजिशन और यहां पे आ गया एट फर्दर एक्विजिशन, क्योंकि फर्दर एक्विजिशन भी हुई है, और एट रिपोर्टिंग डेट। सही जी, यहां पे हम डाल देंगे शेयर कैपिटल इस कंपनी का। अगर मैं बच्चों शेयर कैपिटल जाके देखूं, जीएल ही है ना ये, तो ये है 2000, ये भी 2000 और ये भी 2000। अब आ जाएं जी रिटेन अर्निंग्स पे। अच्छा, आपको ये तो बात पता है ना कि स्टेप एक्विजिशन के अंदर कि आप कंट्रोल के बावजूद भी मजीद होल्डिंग लेके आएंगे तो ग्रुप पहले से ही बना होता है, तो एनसीआई को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करके आप उससे उसका शेयर बाय कर लेते हैं, ये बात याद रखिएगा, इसको आपने भूलना नहीं है। तो ये आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए। चलिए जी, हमने कहा रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वो कितनी थी, 2580, वो ये आ गई भाई यहां पर, ये हमने रख ली। ओके जी, अब हमने कहा सर इसके बाद 2580 के बाद हम यहां पे कर लेते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। अच्छा भाई, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई जीएल के नेट एसेट्स इक्वल थे उसकी कैरिंग अमाउंट के एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, यानी हुआ भाई ये कि भाई सब्सिडरी ने कोई जॉइंट वेंचर बनाया हुआ। अच्छा, मैंने आपको ये सिखाया हुआ है
कि ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग जो होती है वो एक्विटी अकाउंटिंग होती है। तो यहाँ पे जीएल ने उसकी एक्विटी अकाउंटिंग अपने हिसाब से की होगी। याद पे देखिएगा, कैरिंग अमाउंट उसकी थी 510 मिलियन की यूजिंग एक्विटी मेथड, यानी 510 मिलियन उस वक्त जब आपने इसको खरीदा था। तो जैसे यहाँ पे जो देखें, यहाँ पे तो 650 मिलियन आ रहा सर, ये रिपोर्टिंग डेट है, ये रिपोर्टिंग डेट, यानी मजीद आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट बुक किया होगा आपने, मतलब सब्सिडरी ने। तो यानी 510 की वैल्यू एक्विटी अकाउंटिंग को यूज करके निकाली गई है जिस दिन उसकी फेयर वैल्यू 680 मिलियन है। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं यहाँ पे, मेरे लिए तो वो महंगी है ना, क्योंकि मेरे से तो उतने पैसे चार्ज किए गए होंगे जितने उसके बनते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे भाई इन्वेस्टमेंट इन जेवी, तो हमने कहा भाई हम ऊपर गए और हमने कहा इन्वेस्टमेंट इन जेवी के लिए 680 में से मैं 510 माइनस कर दूं तो 170 की एडजस्टमेंट हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ अभी यहाँ पे रुक के ही समझाता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई गलती ना हो। मुझे एक बात बताएं, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आपको 650 मिला हुआ, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्विजिशन पे 510 है, रिपोर्टिंग पे 650 है, कुल मिला के इन दोनों का डिफरेंस 140 है। यानी ये क्या है, यानी ये क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। बट मजे की बात यह है कि उसने 510 में 140 ऐड किया। आप पता है क्या करेंगे, 510 प्लस 170 में 140 ऐड करेंगे तो ये कुल मिला के आपकी 820 की एडजस्टमेंट होगी। या तो ये कर लें कि रिपोर्टिंग डेट पे जो 650 मौजूद है, उस रिपोर्टिंग डेट के 650 में ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पार्क कर लें, क्योंकि आपके कॉस्ट यहां से शुरू हुई थी, इसका और जो इसका सम है दोनों सेम है। तो यानी ये बात आपने समझनी थी कि भाई उसने अपने हिसाब से एक्विटी अकाउंटिंग की हुई, आपने एक्विटी अकाउंटिंग प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की और उसके बाद आपका जो पोस्ट एक्विजिशन है वो इसमें ऐड होगा। तो सिंपली आप रिपोर्टिंग डेट में 170 डाल दीजिएगा, कहानी खत्म, क्योंकि वो एक्विटी अकाउंटिंग कर चुका है, आपको करने की नीड नहीं है। तो हमने कहा भाई ये भी यहाँ पे रखते हैं, और मैंने कहा सर जब फर्दर एक्विजिशन हुई होगी तब भी ये रहा होगा, ऐसा ही है। चलें जी, अब आगे बकाया फर्दर एडजस्टमेंट्स देखते हैं। अच्छा, हमने कहा कि सर फर्दर एडजस्टमेंट्स के अंदर यहाँ पे लिख के दे रहा है वो लैंड कैरीड इन जीएल बुक एट इट कॉस्ट ऑफ रुपीज 240 मिलियन। सही जी, 240 मिलियन की कॉस्ट पे लैंड कैरी हो रही है। इसके बाद उसने कहा द लैंड इज हेल्ड बाय जीएल फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हाउएवर जो पेरेंट एंटिटी है वो चाहता है कि भाई यहाँ पे वो क्या करेगा, फैक्ट्री बनाएगा। फिर आगे नीचे लिख के दे रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ लैंड बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एंड फैक्ट्री is estimated to be rupees 450 and 390. देखो यार अभी ये जगह कंट्रोल में किसके, सब्सिडियरी के, तो आपने जो फेयर वैल्यू अज्यूम करनी है वो 450 मिलियन करनी है, सही है जी, जो उसका इंटेंडेड यूज है बाय सब्सिडियरी। तो हमने कहा कि भाई लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है हम 450 से करेंगे वर्सेस कितने पे उसने खरीदी है 240। तो हमने कहा भाई 210 की ये एडजस्टमेंट पार्क कर ली हमने, और सर क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल तो भी यहाँ पे ये रहेगी। अच्छा भाई, इसके बाद हमने देखा कि ऑन जनवरी 1 फर्दर 15% शेयर होल्डिंग जी एन वेल एक्वायर्ड, जी एल की रिटेन अर्निंग 2860 थी इस दिन के ऊपर, सही जी 2860 थी इस दिन के ऊपर, हमने ये भी कर लिया। चलें जी, अब हमने कहा कि भाई अब हम इसको यहाँ पे टोटल कर सकते हैं। अच्छा, टोटल करने से पहले हमें मोहतात रहना है कि क्या कोई यहाँ पर आपस की सेल परचेस तो नहीं है, क्योंकि वो तकिया नूसी वैसे पूछता नहीं है ऐसी बेकार एडजस्टमेंट्स, पर अगेन हमें चेक करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपके सामने की बात है, कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिख रही यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद सर आप बोलेंगे पेंशन लाइबिलिटी, देखें पेंशन लाइबिलिटी वो बता रहे हैं कि नेट पेंशन लाइबिलिटी ऑफ 220 मिलियन वॉज अपियरिंग इन जीएल बुक्स, इट वॉज एस्टिमेटेड फुल सेटलमेंट लाइबिलिटी वुड रिक्वायर नेट अमाउंट ऑफ 290 मिलियन। देखें ये एक्चुअली ने अपनी अजम्पशंस के हिसाब से बताई होगी, फुल एक्चुअल अमाउंट तो फ्यूचर की है ना, ये तो प्रेजेंट वैल्यू, तो मैं तो अपनी लाइबिलिटीज को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करता हूँ। तो देखें वो कह रहा है कि इट वॉज एस्टिमेटेड फुल सेटलमेंट ऑफ दिस लाइबिलिटी वुड रिक्वायर नेट अमाउंट ऑफ रुपीज 290 मिलियन ऑन एक्विजिशन डेट। यानी भाई हमने इसकी वैल्यूएशन IS-19 के हिसाब से करनी होती है, इसकी फेयर वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं होती। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो IS-19 की वैल्यूएशन IS-19 में होती है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि इसके स्कोप से वो बाहर है, जैसे IFRS 5 भी बाहर था। तो हमने यहाँ पे इस चीज़ को ऑल टुगेदर इग्नोर करना है। तो मैंने कहा कि पोस्ट एक्विजिशन यहाँ से यहाँ तक का ये आ गया, और मैंने कहा पेरेंट और NCI में इसको बांट दें। तो पेरेंट ने आई थिंक 60% और NCI जो है वो ये आ गया,
ऐसे ही भाई, ये दो कार्रवाइयां हो गई हैं पैसे बांटने के बाद। सही जी, 2860, 2580 यही था। सही जी, हमने यहाँ पे देख लिया 2580 और ये आ गया 2860। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, ये आ गया, ये दो लोगों में पैसे बढ़ेगा और होल्डिंग में देख लूँ 60% है। ओके, अब मैंने कहा कि सर अब मैं निकालूंगा। अच्छा सर, गुडविल के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे कंसिड्रेशन, और मैं कंसिड्रेशन के लिए यहाँ पे वर्किंग वन कर लेता हूँ, क्योंकि उसने तो कहा है ना कि उसने तो रिकॉर्ड ही नहीं की हुई। तो आ जाए जी, मैंने कहा वर्किंग वन इज अबाउट कंसिड्रेशन। हमने कहा चलें जी सर, वर्किंग वन इज अबाउट कंसिड्रेशन। उसने कहा है कि भाई आपने ईयर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 साल है ना, ये है कैश फ्लोज आप डाल दें यहाँ पर। आपने कहा कि भाई पहले तो सुकून से मेरी बात को सीखना है यहाँ पर, सुकून से। हमने कहा कि भाई आपने सामने वाली कंपनी के 2000 रुपये का शेयर कैपिटल है इन रुपीज़, आपने इसको 10 से डिवाइड किया, आपने इसको 60% से मल्टीप्लाई किया, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए कितने, 120 आपके सामने है। यानी 200 में से 120 शेयर्स आपके हैं। सही है जी, 200 मिलियन में से 120 मिलियन शेयर्स आपके हैं। फिर मैंने कहा मैंने जितने भी शेयर्स एक्वायर किए हैं, मैंने जितने भी शेयर्स एक्वायर किए हैं, फॉर एवरी 2 शेयर्स मैं जो है अपना एक जो है डिबेंचर है, बॉन्ड है भाई, मैं अपनी कंपनी का एक डिबेंचर दूंगा जिसकी फेस वैल्यू, 50 है। ये आ गया 3000, आपके सामने की बात है, ये आ गया 3000। अच्छा, ये तो हो गई फेस वैल्यू। सही है जी, ये तो हो गई आपकी फेस वैल्यू मेरे बच्चों, ये आ गई फेस वैल्यू। चलें जी, ये तो हो गई फेस वैल्यू। अच्छा, इस पे आप सालाना इंटरेस्ट देंगे 14% और आखिर में ये। अब आप प्रेजेंट वैल्यू लेंगे मार्केट रेट से, और मार्केट रेट में अगेन देख लूँ, मार्केट रेट आपका आ रहा है मेरे बच्चों 12%। ओके, 12% अगर आ रहा है आपका मार्केट रेट, तो आपने कहा कि भाई इसको डिवाइड कर दो 1.12 की पावर 1 से। तो ये हमने जब सम किया तो ये अमाउंट आ गई आपकी 3247 की। आपकी एंट्री बननी चाहिए इसकी, क्योंकि फेयर वैल्यू पे कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट और डिबेंचर पेएबल क्रेडिट 3247 से। सही जी, इसके बाद आपने यहाँ पे एक शेड्यूल बनाना होता है, ओपनिंग इंटरेस्ट कैश और क्लोजिंग। अच्छा भाई, आपने कहा कि अभी हमारा चलेगा ईयर वन। अच्छा, ईयर वन में आपने यहाँ से शुरू की कहानी, 12% का इंटरेस्ट लगेगा, लॉजिकल सी बात है, अमोर्टाइज होगी ये चीज़। और आपने कहा कि भाई ये तो मैं कैश पे करूंगा, ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साल। सही है जी, और मैं अगर ये बात कहूँ तो ये 2022 यहाँ तक चलेगा ये। हमने कहा ये अप्लाई करो आप, इसको हम हटा दें। हमने कहा आप यह रखे, ये आ गया, और ये हमने कहा सर अगर ये देखें तो देखें आखिर में 3000 रुपये रिडम्पशन हो जाएगी। यानी देखें, मैंने सिंपली इंटरेस्ट इतने का बुक करना है, कूपन इतने का देना है, इन इतने की अमोर्टाइजेशन है 247 की। अच्छा सर, अब मसला ये है कि उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस जो चार्ज किया हुआ है वो कूपन का किया हुआ है, तो आपने टेक्निकली करना यह है कि मजीद इंटरेस्ट बुक करना होगा ग्रुप रिजर्व में, और लाइबिलिटी है यानी वो टेक्निकली इसकी अमोर्टाइजेशन है ना, ये 30। यानी टेक्निकली आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट कम से बुक करेंगे, उसने बुक किया हुआ इतने से रिवर्स होगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली उसने तो अभी तक कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उसने ये एंट्री भी नहीं बनाई और ये अमोर्टाइजेशन भी नहीं बनाई, तो मजीद उसने किया क्या पता है, उसने सिर्फ एंट्री ये बनाई है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सही जी, कितने से, 420 से, इसने इतने की एंट्री बना दी है बस, ये है एंट्री मेड।
ये एंट्री बनी हुई है बस। अच्छा, जो बननी चाहिए वो ये है कि भाई ये, और इसके अलावा ये जो अब मैं बना रहा हूँ कैश क्रेडिट होना चाहिए 420 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस होना चाहिए 390 से, और डिबेंचर अमोर्टाइज होने चाहिए, डिबेंचर पेएबल इतने से। सही है जी। तो उसने भाई कैश तो 420 का सही निकाला, सिंपल क्या किया हुआ उसने, डिबेंचर को कम नहीं किया हुआ। तो मैंने अगर इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लूँ मेरे बच्चों, इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लूँ 420 और 390 का, 30 आ गया, तो मैं सिंपली ये काम ये करूँगा, 30 से इंटरेस्ट को रिवर्स करूँगा, लायबिलिटी को डेबिट कर दूंगा, तो ये बन जाएगी, क्योंकि ये तो मैं बना चुका, ये तो मैं बना चुका। सही है जी। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए था कि भाई ये चलेगा हिसाब किताब इसके अंदर। खैर, अब हम इसको ज़रा डब्बे में पिरो लें एक बार, ये आ गया। खैर, अब हम आ गए कंसिड्रेशन के ऊपर। कंसिड्रेशन में सर मेरे पास यहाँ पे 3247 की अमाउंट आ गई, और मैं NCI देख लूँ फुल गुडविल है या पार्शल है। वो कह रहा है NCI को वैल्यू करता है प्रोपोर्शनेट शेयर के ऊपर। सही है जी, प्रोपोर्शनेट शेयर के ऊपर करता है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने कहा नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, तो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी के अंदर हमने कहा कि भाई 60% लेंगे, ये आ गई गुडविल। सही है जी। अब हम आ गए NCI पे। हाँ भाई, NCI के लिए हमने ये कहा कि भाई आपके पास शेयर ऑफ NCI एट एक्विजिशन, ये आ गया 40%। हमने कहा भाई इसको दे दो आप पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपने NCI वाला NCI को दे दिया, 40 ही था ना ये। हाँ, फिर हमने कहा NCI बिफोर फर्दर एक्विजिशन January 1, 2022 पे। सही जी। अब आप देखें उसने किया क्या। अब उसने किया ये कि फर्दर 15% शेयर होल्डिंग्स इन GL, यानी फर्दर 15% होल्डिंग एक्वायर की है, फर्दर 15%। तो मैंने कहा कि भाई वो तो मैंने टेक्निकली यहीं से किया होगा ना, फर्दर 15% होल्डिंग एक्वायर्ड, तो मैं सिंपल क्या किया होगा, ये 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें से 15 और निकाल दो, ये आ गया 786, ये बची। अच्छा, अब इसकी एंट्री बना लेते हैं भाई यहां पर। सेपरेट बुक्स में क्या हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट पर। मैं कहूंगा भाई मैं तो ग्रुप ऑलरेडी बना चुका हूं ना, तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट अब मैं क्रेडिट करूंगा वापस से, ग्रुप के लिए तो कैश गया है, बेशक गया है, तो बेशक कितना कैश गया है, बेशक यहाँ पे कैश गया है आपके पास से वर एक्वायर्ड फॉर ₹890 मिलियन, जो क्या आ रहा। तो मैंने इस इन्वेस्टमेंट को भी एलिमिनेट कर दिया, मैंने कहा अच्छा NCI को रिड्यूस कर लें, कितने से, इतने से। तो आपने पैसे दिए ज़्यादा, चीज़ मिली कम की, और आपके पास ऑल टुगेदर ग्रुप रिजर्व लॉस ऑन फर्दर एक्विजिशन आ गया, लॉस ऑन फर्दर एक्विजिशन। सही जी, आपके सामने की बात है, ये आ गया जी, क्योंकि 890 दिए, 786 का शेयर मिला और 104 आपका लॉस हो गया। खैर, ये करने के बाद हमें याद रखना है कि ये ग्रुप रिजर्व में पार्क करना है, और इसके बाद सर हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन जनवरी से दिसंबर, तो इसको भी क्लोज कर लेते हैं। इसमें क्या कसूर है इसका भाई, हमने कहा 3280, ये आ गया भाई 3280, दिस विल रिमेन आई थिंक सेम, दिस विल रिमेन सेम, ये आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक की चीज़ है, बकाया 6 महीने। सही है जी। हमने कहा इसमें अब 75% हो गया, और ये 25%। अच्छा भाई, अब हमने कहा कि अब हम जरा यहाँ पे पच्चीस परसेंट ले आए NCI का, और ये आ गई NCI एट रिपोर्टिंग डेट। चलें जी, अब हम बना लेते हैं आपके लिए ग्रुप रिजर्व्स। एक सब्सिडी को तो छेड़ा भी नहीं है, जो जो है वो करता जा रहा हूँ।
रिटेन अर्निंग्स ऑफ पेरेंट कितनी है भाई? रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट, रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट आ रही है 6,500। सही जी, पोस्ट एक्विजिशन जनवरी से दिसंबर, जनवरी से जून होगा ना ये। जनवरी से दिसंबर, ये हो गया हमारे पास जुलाई से दिसंबर और जनवरी से जून। जीएल 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 ये बिल्कुल ऐसा है। अच्छा भाई, इसके बाद हमने कहा लॉस ऑन फर्दर एक्विजिशन, वो ये आ गया। अच्छा अब मैं देख लूँ ग्रुप रिजर्व की और कोई चीज़ तो नहीं है, बिल्कुल थी ये, याद आ गई मुझे। ये एडजस्टिंग एंट्री आपने माननी है, रिवर्सल ऑफ एक्सेस इंटरेस्ट, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कम होगी ना, अमोर्टाइज होगी, तो आपने कहा कि भाई वो ये और ये इसका नेट है, ये आ गया। तो सर अब तक की सारी कहानियां हो चुकी हैं। एक सब्सिडी के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, देख लूँ उसमें अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखता मुझे। सही है जी, तो ये स्टेप एक्विजिशन होगी सॉर्ट ऑफ। आए जी आगे देखते हैं, फॉरेन सब्सिडी। हमने कहा सर फॉरेन सब्सिडी के लिए मुझे हिसाब किताब पहले डॉलर में करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा। आए जी देखते हैं। मैंने कहा सर अगर मैं यहां पर फोकस होकर देखूं तो वो कह रहा है कि भाई ऑन July 1, 2020 HL acquired 80% शेयर, यानी सर July 1, 2020 का मतलब है इस साल से भी पहले। सही, जो दो साल की वर्किंग मुझे करनी होगी। HL acquired 80% शेयर होल्डिंग CL of foreign company at a consideration of $240 million। तो मैंने कहा कि भाई चलें जी, फॉरेन सब्सिडरी है तो फॉरेन सब्सिडरी के पहले आप बना लें नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। तो हमने कहा अच्छा फॉरेन सब्सिडरी लिख भी देते हैं CL। शेयर कैपिटल कितना है भाई? हम सवाल में गए, हमने कहा सर शेयर कैपिटल आ रहा है इसका 150 का, ये हमने यहाँ से ये डाल दिया। ओके जी, रिटेन अर्निंग सवाल में जाते हैं और लेट अस चेक कि इसकी जो रिटेन अर्निंग है इस दिन पे ऑन एक्विजिशन डेट CL रिटेन अर्निंग वर 180 मिलियन। आपके सामने 180 मिलियन है तो मैं यहाँ पर 180 मिलियन डाल देता हूँ। सही है जी, आगे फिर हमने कहा कि भाई 180 मिलियन तो चलो ये समझ आ गई बात, ये आ गई बात हमें 180 मिलियन। इसके बाद वो कहता है फेयर वैल्यू ऑफ CL नेट एसेट्स वाज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट एक्सेप्ट फॉर एन ऑफिस बिल्डिंग जिसकी फेयर वैल्यू ज़्यादा थी कैरिंग अमाउंट से 10 मिलियन से। तो सर इस दिन पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बिल्डिंग 10 मिलियन ये हो गया, आई थिंक 10 मिलियन ही है। ओके, ऑन July 1, 2021 यानी इस साल के शुरू में HL डिस्पोज 50% शेयर होल्डिंग यानी 80 में से 50% बेच दिया तो 30% रह गया। अगेन से कैश कंसिडरेशन ऑफ 215 मिलियन विच वॉज क्रेडिटेड टू रिटेन अर्निंग, यानी हुआ ये है कि इसने कैश डेबिट करके रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर दिया, अलबत्ता इसने इन्वेस्टमेंट को डीरिकग्नाइज नहीं किया। तो यहाँ पे ये बात बता रहा है। सही जी, तो अगेन यहाँ पे अगेन देख लेता हूँ क्या कह रहा है। July 1 HL डिस्पोज 50% होल्डिंग जबकि उसका कैश आया तो उसने इनकम बुक कर ली पूरे कैश से। सही है जी, हाउएवर HL स्टिल रिमेन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन दैट डेट। अच्छा फिर आपको पता है कि भाई इतना भेज दो कि एसोसिएट रह जाए या रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रह जाए तो आप जो है उस इन्वेस्टमेंट को उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेते हो, उसका पूरा गेन बुक करते हो कंसोलिडेटेड बुक्स में। तो सॉर्ट ऑफ मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि होता यह है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट है वो फेयर वैल्यू पे जाने में जो गेन बुक होना होता है वो हो जाता है। इस सवाल में करके भी दिखा दूंगा, वापस से करके दिखा दूंगा, बट अगेन आपने क्या करना होता है, क्योंकि आपको पता ना आप तो इन्वेस्टमेंट को हटा के एसेट्स लाइबिलिटीज लेके आए हुए होते हो। अब जब एसेट लाइबिलिटी हटा दे तो इन्वेस्टमेंट को वापस ले आओ, सिंपल सा उसूल है। चलें जी, अब मुझे बताएं कि सर ये करने के बाद सारी चीज़ें, ये आ गया 340,
अब आप आ जाएं एट जुलाई 2021 इस साल के शुरू में, शेयर कैपिटल तो सेम रहा, शेयर कैपिटल तो सेम रहा हमारा। अब हम कहते हैं कि सर इस दिन पे क्या इसने मुझे ये बताया भाई कि मेरी यहाँ पे रिटेन अर्निंग कितनी है? एक तो उसने रिपोर्टिंग डेट का बता दिया 235, वो तो चलें आगे की कहानी है। अच्छा भाई, एच एल डिस्पो 50% इन सी एल अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन विच हाउएवर एच एल स्टिल रिमेन्स हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सी एल ऑन दैट डेट ऑफ डिस्पोजल फेयर वैल्यू ऑफ सी एल शेयर सी एल रिटेन अर्निंग 210 मिलियन। ओके, ये रहा होगा डिवाइडेड बाय 5 × 4, क्योंकि एक साल का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी रहा होगा, तो यहाँ तक भी ये कहानी है। अच्छा भाई, ये तो हो गई डॉलर वैल्यू। अब मैं गुडविल भी डॉलर में निकालूंगा, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई उसको आपको मार्क टू मार्केट करना। अच्छा सर, अब गुडविल देख लेते हैं कि गुडविल आती है या नहीं आती। तो मैंने कहा भाई अगर मैं कंसिडरेशन की बात करूँ तो डॉलर कंसिडरेशन जो है वो यहाँ पे ऊपर लिख के दी हुई है हमारे भाई ने, और वो डॉलर कंसिडरेशन जो है वो 240 मिलियन की है। ये जी 80% के लिए 240 पे किए थे, तो हमने कहा चलें जी ये आ गया 240। अच्छा, रेट स्पॉट रेट इस दिन का, हम सवाल में गए और सवाल में देखा कि जुलाई 1 पे 10 का था, क्योंकि सेपरेट बुक्स में तो इतने पे ही रिकॉर्ड हुई होगी ना, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया पीकेआर। अच्छा, मेरी बैलेंस शीट में भी मुझे ये दिखनी चाहिए। देखें 2400 से वो बेची भी तो थी भाई, बेचने की उसने डी रिकग्निशन की एंट्री नहीं बनाई है, तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। नेट एसेट्स इसी दिन पे अगर मैं ये करूं कन्वर्ट, बट सर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूं 80% से, $320 का आपका आ गया बार्गेन परचेज गेन उस दिन के ऊपर। सही जी, ऐसी बात, ये गेन आ गया, ये तो मार्क टू मार्केट नहीं होगा क्योंकि ये कोई आपका एसेट नहीं है। सही जी, गेन है, ये इमीडिएटली रिकग्नाइज हो जाएगा आपके ग्रुप रिजर्व के अंदर। तो अगर मैं ग्रुप रिजर्व यहाँ बना रहा था तो मैंने कहा बार्गेन परचेज गेन। अब ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो आपकी फॉरेन सब्सिडरी वाली होंगी। सही जी, ये 320 यहाँ डाल दिया। आगे सुनिएगा, एनसीआई के लिए मैंने कहा शेयर ऑफ एनसीआई, तो यहां पे भी यही हिसाब किताब है। शेयर ऑफ एनसीआई जो है 340 का 20%, यह आ गया इस दिन पे, ये इतने पे क्रिएट हुई होगी और यह आ गया हिसाब किताब। चलें जी, अब सर मैंने कहा कि अब मुझे यहां पे रिजर्व वर्किंग करनी है। अच्छा, रिजर्व वर्किंग के लिए अगेन आपने कहा नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, तो आपने यहां पे ये हिसाब किताब रखा, और नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो ये थे, रेट ऑब्वियसली 10 था, ये मल्टीप्लाई होकर इतने पे कंसोलिडेशन हो गई होगी और गुडविल थी ही नहीं। सही जी, ये हिसाब किताब सीधा था। अब हमने कहा प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन, वो कितना है भाई? वो है इतना, जो मैं यहाँ से लिंक लगा देता हूँ, 28 का पोस्ट एक्विजिशन। इसके अंदर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी नेट हुआ है। अच्छा भाई, अब मुझे देखना होगा एवरेज रेट 2021 का चाहिए, ऑब्वियस ही बात है 11 आ गया जी। हमने कहा इसको मल्टीप्लाई किया, ये पेरेंट और एनसीआई में बांट दें सर, तो पेरेंट है 80 और एनसीआई है 20। सही जी, तो हमने कहा कि भाई पेरेंट है 80, एनसीआई है 20, तो हमने यहाँ पर एनसीआई को उसका हिस्सा दे दिया पोस्ट एक्विजिशन का, चाहे तो ये भी कर सकते हैं आप। सही जी, इस पोस्ट एक्विजिशन का 20%। सही जी, और रेट अगर आप 11 रखें
तो तब भी ये आ गया 80, और देखो पता लग गया ना गलत कर देते तो अब ये शुक्र है बचत हो गई, वरना ये कभी ज़िंदगी में टैली नहीं होता। तो ये जी एक चेक का अच्छा फ़ायदा है। चलें जी, अब सर रिजर्व की वर्किंग करनी है क्योंकि एनसीआई को वो एलोकेट होगा। तो मैंने कहा भाई क्लोजिंग नेट एसेट्स आपके दिस प्लस दिस हैं, तो 368 ये रहे आपके, सेम आ रहे हैं। मैंने कहा भाई क्लोजिंग रेट कितना चल रहा है, तो आपने कहा कि भाई मेरे पास जो है जुलाई पे तो ये था, सही जी, जुलाई 1, 2020, यानी अब मैं देखूं तो भाई मुझे चाहिए जुलाई 1, 2021 या 30 जून 2021। तो क्या 30 जून 2021 कह लो, जुलाई 1, 2021 कह लो, वो कह रहा है दोनों पे 12 का रेट चल रहा है। तो मैंने कहा सर ये मैंने 12 का रेट यहाँ पे पार्क किया, इक्विलेंट पी की आर वैल्यू निकाली, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई किया, तो सर मेरे पास जो है OCI का 708 का गेन है। तो मैं सिंपली 80 और 20 ये कर लूँ, और मैं यहाँ पर OCI ये आ गई कैरिंग अमाउंट ऑफ NCI बिफोर डिस्पोजल, क्योंकि मैंने तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे देखें ना मैंने बेचा कब है इसको। यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपने इसको खरीदा इतने पे, यही है इसमें हिसाब किताब, तो जुलाई 1, 2021 पे यानी 30 जून 2021 ख़त्म हुआ, तो मैंने साल के शुरू होते ही इसको टिका दिया, बेच दिया 50% होल्डिंग। तो यार भाई मेरा कंट्रोल चला गया, तो मैं एक भी एसेट और लाइबिलिटी अपने ग्रुप में नहीं रखूँगा। तो सर अब बारी है डी रिकग्निशन की, अब बारी है डी रिकग्निशन की। तो मैंने कहा कंसोलिडेटेड बुक्स गेन के लिए मुझे चाहिए कंसिडरेशन कि कितनी मुझे मिली है। तो मैंने यहाँ पे सवाल में गया और मैंने कहा भाई कंसोलिडेटेड बुक्स में कैश कंसिडरेशन ऑफ 215 मिलियन, तो 215 मिलियन पे गया, और यकीन करो मेरा कि 215 मिलियन को हमने इससे मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि इस दिन के पैसे इतने ही है ना 12 से, यहाँ पे कर भी देता हूँ आपके लिए 215 × 12, तो ये हिसाब किताब हो गया है यहाँ पे। अच्छा भाई मैं नेट एसेट्स को डी रिकग्नाइज करूँ, प्लीज़ बहुत फोकस होकर सुनिएगा, मैं नेट एसेट्स को डी रिकग्नाइज करूँ तो मेरे नेट एसेट्स कितने के बारे में भाई, इतने के, सही जी, ये नेट एसेट्स डी रिकग्नाइज हो गए। फिर मैंने कहा NCI को डी रिकग्नाइज करें, अच्छा क्या NCI हमारे पास पड़ी हुई है, ये रही। अच्छा मैंने आपको ये सिखाया भी है कि नेट एसेट्स और NCI को नेट करने का मतलब ये, क्योंकि इसी से बनी हुई होती है ना, आपका हिस्सा बच जाता है, सही जी, तो वो आप ऑल टुगेदर उसको हटा देते हैं। फिर आपने कहा गुडविल तो है ही नहीं, बार्गेन परचेस गेन था तो कुछ घुमाने की नीड नहीं है, बट यस आप फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट को एज अ गेन बुक करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है। तो फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, जरा आप यहाँ पे फोकस होकर देखिएगा। हमने कहा कि भाई यहाँ पर आप देखें, वो कह रहा है कि हमारा स्टिल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन डेट ऑफ डिस्पोजल फेयर वैल्यू CL शेयर, $25 का शेयर चल रहा है, याद रखिएगा $25 का एक शेयर है, और इस दिन अगर मैं शेयर मार्केट में लेने जाता तो मेरे लिए प्राइसिंग तो 12 की होती ना, एक्सचेंज रेट तो 12 का ही होता। तो मैंने कहा अगेन $25, बट आई नीड टू लुक एट कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने। तो मैं सवाल में गया, मैंने कहा कि भाई पहले तो ये देख लो 150 शेयर्स हैं इसके, डिवाइड बाय 10 कर दो उसको, सही जी, $150 मिलियन के शेयर्स हैं। तो मैंने कहा इसको मैं डिवाइड कर दूं 10 से और मल्टीप्लाई कर दूं 30 से, क्योंकि मेरे पास अब होल्डिंग 30% बची है, सीधी सीधा हिसाब किताब है। मैंने कहा मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूं और 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से 12 से मल्टीप्लाई करूं, ये रहा, सही जी, 1350 आ गया। अगेन एक और बार कर लेते हैं, हमने कहा 150 डिवाइड बाय 10 इंटू 30, 4.5 मिलियन शेयर्स है मेरे पास, एक शेयर है $25 का, $112.5 आ गए, प्राइस चल रही है 12 की, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1350। अच्छा फिर मैंने कहा कि भाई OCI रिजर्व ट्रांसलेशन, यानी अब जो OCI था वो कुछ भी नहीं था, तो सर आप यहां पर ये हिसाब किताब ले लेंगे, ये वाला, सही जी, भाई आपके सामने है ना कि ये वाली जो अमाउंट है आपकी 566.40, दिस शुड बी रिकग्नाइज एज अ गेन ना, तो वहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, वहां से ट्रांसलेट होके
यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमने कहा कि भाई हमारे पास ये जो अमाउंट आई है ये कंसोलिडेटेड बुक्स का गेन है, और सेपरेट बुक्स में जो बुक हुआ हुआ है वो कितना हुआ हुआ है भाई, वो हुआ हुआ है 2580 का। तो हमारी जो एडजस्टमेंट आ रही है, जो मैं एडजस्टमेंट पार्क करूंगा मेरे बच्चों, जो मैं एडजस्टमेंट पार्क करूंगा वो करूंगा दिस माइनस दिस, 1616.40 की एडजस्टमेंट होगी इन ग्रुप रिजर्व। बट जब मैं ये एडजस्टमेंट करूंगा तो इसका कुछ नतीजा है, इस एडजस्टमेंट से होगा क्या, मैं आपको खुला खुला बता रहा हूं। देखिएगा, इस एडजस्टमेंट से मैंने आपको सिखाया जब भी आप एडजस्टमेंट पार्क करते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिवर्स हो जाता है, पोस्ट एक्विजिशन रिवर्स हो जाता है। मैंने कहा चलिए जी सर, ये रहा, मैं गया सवाल में और मैंने कहा कि जो इससे आने वाला पोस्ट एक्विजिशन है ये वाला, पहले तो मैं यहाँ डाल तो दूँ, ये अच्छा याद आया मुझे वर्किंग करते हुए, पोस्ट एक्विजिशन ऑफ CL, पोस्ट एक्विजिशन ऑफ CL है हमारा, अल्लाह वाला करे 5246.4, बाकी तो रिजर्व है ना, और मैंने ये लिया है ना 566 रिवर्सल में, यस। अच्छा भाई 246.4, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि भाई 246.4 की जो अमाउंट है ये वाली, इस एडजस्टमेंट से ये रिवर्स होगी। हमने कहा चलिए जी सही है सर, ये रिवर्स हो जाएगा, ये रहा 246। मैंने कहा बार्गेन परचेज गेन भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आप कहते हैं ग्रुप का कुछ भी नहीं बचा, जो है वो सेपरेट बुक का गेन है, दैट्स इट, सिर्फ यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा बार्गेन परचेज गेन कितना है भाई, हमने कहा बार्गेन परचेज गेन है आपका ये रहा। तो सर अगर मैं सीधा सीधा हिसाब किताब करूं, एक तो ये रिवर्स होगा, एक तो ये रिवर्स होगा, सही, इस एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं उसमें ये हो रहा है, ये पार्क करने से ये हो रहा है। फिर मैंने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का जो है मार्क टू मार्केट गेन बुक होगा। अच्छा जी बहुत सुकून से समझिएगा, मार्क टू मार्केट गेन कैसे बुक होगा भाई, अगर आप मुझे एक बात बताएं, कि आपका जो मार्क टू मार्केट का गेन है, सही जी, वो कैसे निकलेगा। तो आपने कहा इन्वेस्टमेंट की जो कैरिंग अमाउंट है वो आप निकालेंगे। अच्छा आपने इन्वेस्टमेंट जो है इनिशियली कितने पे रखी थी, इन्वेस्टमेंट आपने रखी थी 2400 पे, सही जी, आपने कहा इनिशियली 2400 पे रखी थी, ऐसा ही है। इस 2400 की इन्वेस्टमेंट को आप ये कहें इसमें से आपने डिस्पोज कितनी कर दी, तो आपने कहा कि भाई इसको मैं डिवाइड कर दूं 80 से और इसका 50% बेच दिया 1500, ये आ गया 900 की अमाउंट। ये इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट कैरिंग अमाउंट रिमेनिंग इन आर बुक्स। इसकी फेयर वैल्यू कितनी चल रही है मेरा भाई, इसकी फेयर वैल्यू चल रही है आपकी 1350। तो एक ये गेन बुक हुआ है 450 का, सही है जी, ये तो आपको मैं मंतर के बताता हूं ना कि ये वरना करके निकल जाओ तो आंसर तो आ ही जाएगा, पर इससे हुआ ही है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैरिंग अमाउंट छूट के किस पे आ गई, फेयर वैल्यू पे नहीं, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज हो रही है सारी एडजस्टमेंट पार्क करने के बाद, एक ये हो गया, सही है जी, आगे आ जाए। फिर मैंने कहा कि सेपरेट बुक्स का जो एक्चुअल गेन है वो रह गया होगा। अच्छा सेपरेट बुक्स का एक्चुअल गेन कैसे निकलेगा भाई, कंसिडरेशन कितनी मिली आपको, कंसिडरेशन कितनी मिली आपको, ये रही, डिस्पोजल कितने का हुआ, ये रहा, आपके पास जो है 1080 का गेन आ गया, ये बुक हो जाना, सिर्फ यही रह जाना चाहिए, मेरा मकसद ये है कि सिर्फ यही रह जाना चाहिए। तो हमने कहा सेपरेट बुक्स गेन कितना आ रहा है भाई, इतने का। तो अच्छा अगर मैं इन सबको नेट कर दूं तो ये देखते हैं आप, ये 963.60 यही बनता है, आपके सामने की बात है 963.60 ये बनता है। यानी सर टेक्निकली हुआ ये कि जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे पास देखेंगे 963, यानी देखें ना भाई 1080 बुक हो गया, सही है जी, 450 आपने ये कर लिया, यानी कुल मिला के ये एडजस्टमेंट से आपका जो नतीजा है वो ये निकल रहा है।
यानी इस पूरी 1616 की एडजस्टमेंट के अंदर आपका इस 1616 की एडजस्टमेंट के अंदर आपने टेक्निकली किया क्या, इस पोस्ट एक्विजिशन को रिवर्स किया, इस पोस्ट एक्विजिशन गेन को रिवर्स किया, इससे आपने कहा 320 मैंने बार्गेन परचेज गेन रिवर्स किया, सही जी। फिर आपने कहा कि भाई ये जो सेपरेट बुक्स का गेन है मेरा, ये बुक हो रहा है इससे, ये बुक होना चाहिए इससे। अच्छा मैं देखो यहाँ पे ये करूं, ये आ रहा है 963.6 की अमाउंट, तो देखो यही तो बनती है अमाउंट, यही तो बनती है अमाउंट। तो कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि जब ये एडजस्टमेंट पार्ट करूंगा तो इससे ये सारे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ये इससे सारे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, और अब अगर मैं कहूँ रिवर्सल ऑफ सेपरेट बुक्स गेन, अच्छा जी रिवर्सल ऑफ रॉन्गली बुक गेन ना, रिवर्सल ऑफ रॉन्गली बुक्ड, तो रिवर्सल ऑफ रॉन्गली बुक कितना था भाई, 2580, चलें जी, एंड गेन टू बी बुक्ड, इन सबको सम करूं, देखो ये कितना इक्वल आ गया इसके, यानी इस 1616.4 की एडजस्टमेंट से हुआ क्या, पोस्ट एक्विजिशन रिवर्स हो गया, बार्गेन परचेज गेन रिवर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट मार्क टू मार्केट हो गई, जो होनी भी चाहिए बची हुई है ना, उसका गेन आ गया, सही जी। फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, जो रॉन्गली बुक हुआ था उसको रिवर्स किया, गेन टू बी बुक था उसको ऐड कर लिया, तो कुल मिला के यानी आपकी पूरी ग्रुप की सब्सिडियरी बाहर निकल गई और जो सेपरेट बुक का होना चाहिए था बस वही बच गया। अब आगे इसकी इक्विटी अकाउंटिंग कर लेना, दैट्स इट। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये कोई चीजें नहीं बताएगा अनलेस कि यू हैव अ इमेंस ग्रिप ऑन इट। तो मैंने आपको पूरा रिकॉर्ड बना के दे दिया कि भाई ये हिसाब किताब चल रहा है, बात क्लियर है। चलिए जी अब आगे, अब मैंने कहा कि सर अब मैं सिंपली यहां पे एडजस्टमेंट ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल, तो ये एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पार्क कर लिया और मैंने आपको बता दिया इस एडजस्टमेंट से होगा क्या क्या, अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या होगा, क्या क्या रिवर्स होगा सब बता चुका हूँ, इसका पूरा ब्रेकअप नीचे बना हुआ है। अच्छा अब अगर मैं आगे देखूँ तो वो कह रहा है कि भाई आपके पास ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल द फेयर वैल्यू रिमेनिंग ये हो गई, ये जो मेरी रिटेन अर्निंग थी वो भी हो गई, अब मेरी ये बन चुकी है क्या एसोसिएट, अब एसोसिएट की होगी इक्विटी अकाउंटिंग। अच्छा मैंने कहा इक्विटी अकाउंटिंग के लिए रिटेन अर्निंग इसकी है $235 मिलियन, तो मैंने कहा कि अगर मैं $235 मिलियन यहां पे रखूं और मैंने कहा कि सर इसके बाद मैं आ गया एट रिपोर्टिंग डेट, इसको आप भूल जाएं क्योंकि अब कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि ग्रुप डी रिकॉग्नाइज हो चुका है। तो आपने पता है क्या करना है, आपने सिंपल एक काम करना है, पोस्ट एक्विजिशन इन दोनों का डिफरेंस, सही है जी, और उस पर परसेंटेज लगा दें 30%, ये 7.5 आ गया। अच्छा आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये 7.5 है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट जो कि फॉरेन एसोसिएट है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें एवरेज से। अच्छा अब यहां पे थोड़ी सी एसोसिएट की वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, यहां पे एसोसिएट वर्किंग करनी पड़ेगी, एसोसिएट की वर्किंग में आपने ये देखा कि भाई इनिशियल अमाउंट कितनी थी, आपने कहा वो ये थी फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, यही थी ना, तो गेन रिकॉर्ड करके यहीं तो पहुंचे थे। फिर आपने कहा इसके अंदर पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट आप डाल दें, तो आपने कहा कि भाई ये तो मैं सिंपल यहां से उठाता हूं क्योंकि हमने मेहनत की हुई है 7.5, और $7.5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर सवाल में रेट देखूं एवरेज कितना चल रहा है पूरे साल का 13, तो ऑब्वियसली ये रेट यूज होगा, ये आ गया, सही जी। फिर मैंने कहा कि भाई अगर मैं डॉलर के हिसाब से देखूं, अगर मैं डॉलर के हिसाब से देखूं तो डॉलर वैल्यू कितनी बनती है, सही है जी, तो मैंने कहा कि भाई क्लोजिंग वैल्यू जो बनती है, प्लीज बहुत फोकस होकर देखना इधर, तो मैंने कहा कि भाई मैं यहां पे $150 मिलियन का टोटल कैपिटल था, सही जी, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया था, 30% किया तो आंसर कितना आया, 150 डिवाइड बाय 10 into 30%, 4.5 मिलियन शेयर्स मेरे पास अभी मौजूद हैं। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर लिया था, 25 से और 12 से, तो 1350 हो गया था, 25 और 12 एक्सचेंज रेट था, तो मैंने कहा 12 को हटा दूं तो ये आ गया मेरे पास, सही जी, ये मेरे पास कुल मिला के ₹25 की फेयर वैल्यू थी इस शेयर की। तो मैंने कहा कि भाई ये तो मेरी डॉलर वैल्यू थी ना, इतने पे डॉलर वैल्यू पे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, सही है जी,
मैंने कहा ये मैं कर लेता हूँ डॉलर वैल्यू, इसको इधर ले आए सर 25 के हिसाब से, सही है जी ये आ गया। अच्छा भाई इसमें ऐड कर दें आप पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कितना है जी, वो आपने कहा 7.5, ये भी आप डॉलर में ले लें, ये आ गया 120, सही जी ना, क्लोजिंग डॉलर, अगेन रिपीट करता हूँ क्लोजिंग डॉलर 120 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है आपकी, सही है जी, ये वाली अमाउंट को, इस डॉलर की अमाउंट को यहाँ पे रेट रखूँ 12, वो 1350 था, यहाँ पे रखूँ मैं कितना है भाई एवरेज 13, ये आ गया और हमने सम कर लिया तो ये आ गया, सही है जी। ऊपर से एग्जैक्टली मैच होता ही है, ऊपर से एग्जैक्टली मैच होता है, पर अगर मैं अब क्लोजिंग अमाउंट रखूं और क्लोजिंग रेट देखना चाहूं, तो क्लोजिंग रेट देखने के लिए मैंने कहा वो 14 है, तो मैंने कहा आपके पास OCI आ गया फॉर द ईयर का रिजर्व, तो ये आपने इस पे रख लिया, बात क्लियर है जी। तो ये आपकी ये फॉरेन एसोसिएट की वर्किंग थी, ये आपकी फॉरेन एसोसिएट की वर्किंग थी। अब सर आई थिंक वी आर इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर दिस, पर मैं यहाँ पर पहले पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट जरा ले आऊँ, तो पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट मेरा कितना है भाई 97.5 के। वी आर इन अ पोजिशन टू कंक्लूड, और कुछ रह गया होगा तो वो पे बैलेंसिंग के वक्त देख लेंगे। रिटेन अर्निंग दोनों का ये आ गया, बार्गेन परचेज गेन, रिवर्सल ऑफ एक्सेस इंटरेस्ट, ये भी हो गया कहानी, ओके। अब सर हम बना लेते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ओके। तो सर हम यहाँ हैं सवाल में, तो बैलेंस शीट हमने देखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है 6065, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये आ गया 6065 प्लस 3130 सर, तीसरी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो हम बेच चुके हैं, तो 6065 और 3130 मैं नेट एसेट्स पे नज़र घुमा लूँ, और सही हुआ कि नज़र घुमा ली हमने क्योंकि इसके अंदर ये भी ऐड होगा 6065 3130 और 210 ये ऐड हो गया, सही जी ये हिसाब किताब हो गया। इसके बाद अच्छा सर पीपी की एडजस्टमेंट के बाद हम देख लेते हैं दूसरा लाइन आइटम कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन जीएल। अगेन आपको याद होना चाहिए जीएल इज स्टिल माय सब्सिडरी, और हमने जो फर्दर एक्विजिशन की थी उसको भी मैं एडजस्टमेंट पार्क कर चुका हूँ, तो ये तो नहीं आएगी क्योंकि उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज लेके आऊँगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट इन सीएल, अच्छा यहाँ पर जब मैं बात करूँ आपसे तो मैं लिखूँगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का अगर मैं हिसाब किताब कहूँ तो सर सिंपल ये ले लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि देखें ना आपने डॉलर वैल्यू में इसको इन्हांस किया, इसको रिपोर्टिंग डेट से किया और ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। अच्छा भाई इन्वेस्टमेंट इन जेवी, अच्छा इन्वेस्टमेंट इन जेवी के लिए मैं सवाल में जाता हूँ और मैं सवाल में देखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर आ रहा है 650 का, और 650 का इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर के बाद मैं कहूँगा कि भाई क्योंकि इसमें पोस्ट एक्विजिशन पार्क हो चुका है तो मैं यहाँ पे 170 ले आऊँगा, ये देख लूँ सही था ना लिंक, ओके ये आ गया भाई। तो हमने कहा ये 820 की ये अमाउंट आ गई, फिर मैंने कहा सर लेट्स पार्क गुडविल, तो गुडविल के केस के अंदर हम गए सबसे पहली कंपनी 271, ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब बकाया केसेस देख लेते हैं, हमने कहा इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर हो गया, अब सर अल्लाह भला करे यहाँ पे आ रहा है करंट एसेट्स 2870 2875, हमने कहा यहाँ पर सर 2870 2875 ये आ गए हमारे करंट एसेट्स,
ये हमने सम किया तो ये एसेट्स बन गया सर 179,20.68 पीपी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जेवी गुडविल करंट एसेट्स यही आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आगे देख लेते हैं सर शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल मेरा जो आएगा वो आएगा सर ऑल टुगेदर सिर्फ और सिर्फ पेरेंट एंटिटी का, वो ये रहा। अच्छा सर इसके बाद जो मेन एडजस्टमेंट है वो है आपकी ग्रुप रिजर्व्स, तो ग्रुप रिजर्व्स तो आपने खुद ही निकाले, ग्रुप रिजर्व आपने ये निकाले हुए, सारी तमाम एडजस्टमेंट्स हुई हुई हैं इसके अंदर। एनसीआई तो एनसीआई भी आई बिलीव कि एक ही आएगी, और अगर मैंने निकाली भी हुई तो ये रही, ये आ गई एनसीआई। अच्छा और चीज़ें देख लेते हैं भाई। अच्छा एनसीआई के बाद हमने कहा नेट पेंशन लायबिलिटी 650 और 280, नेट पेंशन लायबिलिटी 250 और 980 यही है, चेक कर लेते हैं 650 और 280। ओके 650 और 280, 650 280। अच्छा 2075 अदर लायबिलिटीज आ रहे हैं, पर पहले मैं यहाँ पे डिबेंचर पेबल ले आऊँ, डिबेंचर पेबल तो सर डिबेंचर पेबल जो हमारा है वो मैं स्ट्रेट यहाँ से उठाऊँगा, क्योंकि मैंने पूरी प्योर वर्किंग की हुई है 3216 और मेरे पास आ गया अदर पेबल। तो सर अदर पेबल की अगर मैं अमाउंट देखूँ तो 2075 प्लस 1095 ये आ गई। तो सर अब मैं अगर देखूं तो ये आ रहा है मेरा एक डिफरेंस, तो लेट्स चेक कि क्या हमने पार्क नहीं किया। 293.30 अच्छा रिजर्व ओके, तो यहाँ पे हम ट्रांसलेशन रिजर्व अगर डालें ये आ गया। अब 60.8 की अमाउंट आ रही है, ये 60.8 अगर हमें मिल जाए तो ये हमारा 60.8 ये देखते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट है इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करूं यही बन रही है 60.8, बट इसका डबल इम्पैक्ट आ रहा है हमारे पास, हम यहाँ पे देख लेते हैं। थ्री टू वन सिक्स आ रहा है ग्रुप रिजर्व में, मैं अगर देखूँ अच्छा 420 का बुक हुआ हुआ है, सही है जी। अच्छा ये पॉजिटिव करना चाहिए ना, ये हमने गलत कर दिया, 30.4 हो गया, ये मैच हो गया। तो सर ये था आपका ये सवाल, जो कि ऑब्वियसली लेंदी भी था क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वर्किंग थी, स्टेप एक्विजिशन थी, डिस्पोजल था, फॉरेन एसोसिएट थी। जजाकअल्लाह।